ఎస్పీఐ జిందాబాద్ మైల్ లేదు కన్నడ జిందాబాద్ జిందాబాద్ నా పోటీ ఒక ఎస్పీఐ జిందాబాద్ भाई जा एसपीपीआई करा रहा है हर मजदूर मंगा रहा है जिंदाबाद 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 एसपीपीआई जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद दूर में आप सभी का खैर मकदम है। आज यहाँ एसडीपीआई की जानिब से 141 जो सांसदों को बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, उसे लेकर ये एहतजाज कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क जिस दिशा में जा रहा है, हम देख रहे हैं कि एक तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का फैसला फिर से हिंदू पक्ष में देना, 11,000 ट्रेनों को अयोध्या को रवाना करना, फिर उसके साथ साथ 141 लोगों को इस तरह से बर्खास्त करना, ये पहली बार है सस्पेंशन। बिल्कुल, ये तो सस्पेंशन ऐसा क्या बताया जा रहा है कि ये सस्पेंड न सिर्फ ये MLA MP का है, बल्कि एक लोकतंत्र का ही इस तरह से, और मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र की दिशा में ले जाया जा रहा है। इस पर आप क्या करेंगे? एहतजाज तो चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देश की क्या हालत हो सकती है? तो जैसा आपने बताया, जो ट्रेन वगैरह अयोध्या जा रहे हैं, तो ये बस कुछ नहीं है, बस पॉलिटिक्स है और 2024 की तैयारी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट जब भी है, कम्युनलिज्म पे ही आई है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना और डिवाइड, जो ब्रिटिश का हम पहले स्कूलों में पढ़ते थे डिवाइड एंड रूल, वही ये लोग अपनाए हुए हैं, डिवाइड करो और रूल करो। ये जो आप बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पे जा रहा है, हमें भारतीय संविधान पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है। जब तक ये भारत की रूह कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, तब तक हमारी SDPI वालों की और मुल्क के हर एक बाशिंदे की आखिरी उम्मीद जिंदा है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हट जाएगा, तो फिर जैसा आप बताए जो हिंदू राष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं, तो फिर इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उस हिसाब से ये काम आगे आ जाएगा, किसी होगा, किसी और को इसका असर ना हो, लेकिन इसका पूरी तरह से एक निशाना जिसको बनाया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा इससे नुकसान, क्योंकि अब फिर से कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, फिर ये NRCC ये को लागू करने, क्योंकि अमित शाह भी खुलकर बात कर रहा है, जैसे सभी जानते हैं, आपने भी अभी बताया कि होना तो प्रताप सिन्हा को बर्खास्त करना था, लेकिन उसे तो वहीं रखा, लेकिन दूसरे दिगर जो अपोजिशन को खत्म करने के, और ये सीधा मैसेज है कि ये लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि जिस तरह से ट्रेनों को भेजा जा रहा है अयोध्या को, और इससे पहले भी सत्यपाल मलिक हो, प्रशांत भूषण हो, इन्होंने बताया कि इस तरह से ट्रेनों को भेजकर फिर से गोधरा दोहराया जा सकता है, इस पर आप क्या? यही है, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे इस वक्त पर याद आ रहा है कि उन्होंने बहुत खूब कहा था, सरहदों पे तनाव है क्या, सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो करीब में चुनाव है क्या। जी, जैसा अभी मैं पहले बताया, 2024 का जो इलेक्शन है और उस इलेक्शन की टोटल तैयारी है, और गोधरा तो दोहराने की दूर की बात है, तब अनजाने में हो गया, लेकिन इस बार हुकूमत उनके दायरे में है, लेकिन अगर ऐसा ही कुछ करते हैं तो फिर खतरे में वो ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, चारा मुसलमानों को बनाया जा रहा है, यानी मुसलमानों को गाली दो, पोजीशन ले लो, मुसलमान से उनको कुछ लेना देना नहीं है, बाहर एक ही थाली में खाएंगे। और इतने जितने भी जो दिग्गज है ना, मैं यहाँ पे हमारे अपोजिशन पार्टीज वालों को ये बात कड़वी लगेगी, इन सबके दामाद जो है ना मुस्लिम ही है, आप गौर करो, मैं लिस्ट अब वक्त उतना नहीं है, ये जितने बड़े 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 दिग्गज है ना जो यहाँ पे बैठ के तिस्मारका बन रहे हैं, इनके दामाद, मैं कम्युनलिज्म पे भी नहीं जा रहा, इनके बेटियां, इनके भांजियां वगैरह पूरे मुस्लिम से भी आई हुई है, ये इनके घर पे इनका रिलेशन और बेहतर है, वैसा नहीं कि उनकी शादी होने के बाद उनका कुछ अलग नहीं है, ये एकदम बेस्ट इनके रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं, ये पॉलिटिक्स रचाने के लिए और सत्ता को हासिल करने के लिए इस तरह के कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त के जो अवाम थी, एक किस्म पे सोशल मीडिया भी कुछ पीछे था, उतना इकतदार पर नहीं था, अब जो सोशल मीडिया है जो बहुत रवा दवा पर है, तो उस वक्त जो उन्होंने गलती दोहरा है, मैं उम्मीद करता हूँ और हमारी कैलकुलेशन भी है कि इस बार वैसा नहीं कर सकेंगे, होगा, दोहराएंगे, कोशिश भी कर सकते हैं, हमें उम्मीद भी बोले तो हमें तैयार भी रहना चाहिए, तैयार के मानी किस एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशनली एतबार से, उस वक्त फिर भी थोड़े बहुत बेदार थे लोग, अब तो उससे भी ज्यादा बेहिस नजर नहीं आ रहा जी। वो तो बात गौर करने की बात है, हमारे कौम में आप देख रहे हैं अक्सर हमारी आपकी मुलाकात प्रेस मीटिंग में होती रहती है, अवाम को बताया जा रहा है, अवाम को बताया जा रहा है, लेकिन ये अवाम जो है एक स्लीप डोज में जो चली गई है ना, इनका बेदार होना बहुत जरूरी है, सिर्फ
मुस्लिम बोलकर नहीं, जितने भी कम्युनिटीज हैं सिर्फ हिंदू लोगों को क्या, हम आपको हिंदू राष्ट्र बना के देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद किसका घर चलेगा, किसका पेट, सबको जॉब मिल जाएगा, ये कुछ नहीं है। राष्ट्र यही रहेगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद सरहदें बढ़ जाएंगी? क्या मुस्लिम राष्ट्र बनने के बाद में क्या सरहदें बढ़ जाएंगी? क्या मुस्लिम राष्ट्र बनने के बाद सब जितने भी मुस्लिम है सबको नौकरी मिलेगी? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सब खानदान वालों को क्या खाना मिलेगा? नहीं, इससे भी बदतर हालत हो जाएगी। जैसा आपने अभी राहत इंदौरी का एक शेर सुनाया, तो उसी तरह से एक और है कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ पर मेरा मकान थोड़ी। तो ये दूसरे समाज के लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? कहीं तो भी एक उनकी खामोशी एक तरह की हिमायत नजर नहीं आ रही जी? इसके पीछे भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसें की गई है, जैसा आप जानते हैं। उनके लिए एक लॉलीपॉप दिया गया है, क्या उनको एक बड़ा बोले तो जो ख्वाब कभी सच नहीं हो सकता, उन्हें दिन में ख्वाब दिखाया गया है कि मुसलमानों को जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बहुत दूर की बात है, इनके दिन के भी ख्वाब नहीं कहला सकते, कि यहाँ से मुसलमानों को भगाएंगे, हिंदुस्तान से भेज देंगे। जब हिंदुस्तान से मुसलमान चले जाएगा, यानी ये 28 करोड़ मुस्लिम्स जो हैं, जब हिंदुस्तान से चले जाएंगे, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके घर हैं, इनके कारोबार हैं, ये सब तुम्हारे बोलकर इन लोगों को क्या किए? अभी बच्चा जब घर में मस्ती करता है ना, तो घर में माँ बाप क्या बोलते हैं, करीब में उरूस है, करीब में एक मेला लगने वाला है, वो मेले में जाएंगे तो हम तुम्हें एक खिलौने दिलाएंगे, तुम्हें अच्छा ड्रेस दिलाए देंगे। तो बच्चा क्या करता है उस वक्त में आके अपनी जिद, अपनी जो डिमांड रहती है उसको भूल जाता है, और भूल के वो किसमें लग जाता है कि जो उरूस आएंगे, जो जतरा आएगा, जो मेला आएगा, उस मेले में मेरे अब्बू मुझे खिलौना दिला देंगे, मुझे रिमोट कंट्रोल की गाड़ी दे देंगे। ये ऐसी चीज है, ये उन लोग जैसे दोस्त है ना, ये लोग इनके लिए अवाम को, जो हिंदुस्तान की गरीब और लाचार अवाम है ना, इनको ऐसे यूज कर रहे हैं, इनको ये डोज दे रहे हैं, और ये लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये एक्चुअल जो है ना 28 करोड़ कम हो बेश, मिनिमम सेंसस के हिसाब से 28 करोड़ आ रहा है, इससे भी ज्यादा आबादी इनको हिंदुस्तान से, क्या हिंदुस्तान किसके बाप का है? हाँ, जितना आप भी जाके देख लो, हाँ, इंडिया गेट पे, हाँ, कितना जो है 65% मुस्लिम शहदाओं के नाम वहां पर लिखे हैं। हमें जो हमें देना था, जो आप पहले पूछे एनआरसी सीए के बारे में, हमें जो अपना पहचान पत्र देना था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले दे चुके हैं। अगर आपको किसी को डाउट है तो इंडिया गेट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे ये जो अभी फिलहाल किस तरह से, जिस तरह से हम सभी देख रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, तो इस मुल्क के संविधान को, इस देश को कैसे बचाया जा सकता है? जी मैं बोलूँ, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो अंधेरी नगरी है तो चौपट राज तो चलेगा ही। जहाँ पे जिस तरह से जो मुल्क के लिए जो कुर्बानी देना था, जो कुर्बानी वहाँ आवाम से जो कंट्रीब्यूट लेना था, वहाँ वो नहीं हो रहा। दिन दिन दहाड़े लूटमार होती जा रही है। हाँ, पीएसओ को लूटमार का जो वाक्य है, पूछने वाला नहीं रहेगा जी। पीएसओ को जो है ना पूरा बेचा, पब्लिक सेक्टर्स को बेचा जा रहा है। जरूरत क्या है इतनी बड़ी आबादी? और गब्बर सिंह टैक्स, जिसे हम अपोजिशन वाले राहुल गांधी जो बोलते रहते हैं, कांग्रेस के नेता गब्बर सिंह, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलकर बोलते हैं, इतना बड़ा टैक्स वसूल कर रहे हैं। अभी पहले तो बात अलग थी, अब बच्चा जब रबर यूज कर रहा है, पेंसिल यूज कर रहा है, इंक यूज कर रहा है, तो उस पर भी जो है ना ये लोग गब्बर सिंह टैक्स वसूल कर रहे थे। आप जिस तरह से हर चीज का इल्जाम लगा रहे हैं लोग, तो लेकिन वोट तो उन्हीं को कर रहे हैं। तो अभी तो तीन राज्यों में उन्होंने जीत दर्ज की जी जी, अभी जो तीन राज्यों में दर्ज भी आया, तो इसमें उन लोगों का जो मैं पहले बोला ना, तो हिंदू मुस्लिम करो, डिवाइड एंड रूल वही अपनाए हुए हैं। इसमें अभी आवाम को ईवीएम का रोल नहीं रहेगा इसमें, जैसा मैं बोल रहा हूँ, ईवीएम का रोल जो है ना ये एक मिसकॉन्सेप्ट है पब्लिक को जी, बोले तो इतना तरीके से नहीं कर सकते ईवीएम में जो है ना एग्जैक्ट उसका कैलकुलेशन। लेकिन गाड़ियों में वगैरह मिले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, बहुत तरीके, बहुत जगह से पकड़े जाते हैं, कोशिश ये लोग करते हैं। एक तो इनके पास जो प्लस पॉइंट रहता है, ये हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरे रहते हैं, उसके बाद में ऐसे भी थोड़े बहुत सारे हो जाते हैं। और इतने सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मिले जहाँ पे टोटल वोटिंग जितना हुआ था उससे भी कई हजार गुना ज्यादा पे वोटिंग हुई है। कोई भी बटन दबा पर्ची बीजेपी की निकलती है जी, ये मिसकॉन्सेप्ट भी है, और थोड़े जगह वो भी हो गया है। नहीं, ये जो है ना पर्ची के बारे में जो किए थे लास्ट टाइम, जो असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे वहां पर देखा भी गया कि कौन सा भी बटन पे सिलेक्ट करने के बाद में इसको ये किया जा सकता है, इसको मैन हैंडलिंग कर किया जा सकता है। और इससे पहले डिक्लेयर भी किया जा चुका है कि ईवीएम जो है ना इससे फेयर एंड हम क्लियर इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सकते बोलकर इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। लेकिन इसको हटाना है, लेकिन पता नहीं है लोग इसका, यही उनका जो वोट गेनर है, बैंक है ना, इसी के जरिए वो लोग वोट हासिल कर सकते हैं, तो आवाम की उन्हें जरूरत ही नहीं है, तो इस हिसाब से वो काम चल रहा है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
बीजेपी मुर्दाबाद, अनिश तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಅದೇ ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಪಾಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಇವ್ರು ಆರು ಮಂದಿಯಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹನುಮಂತರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡನೆ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಕ್ಕ ಕೊಲೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಸರ್?